गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी गेम की सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई सेंसिटिविटी कैसे बनाए। यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि भाई 3x की सेंसिटिविटी, 6x की सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी आप अगर किसी की कॉपी करोगे तो आप प्रो नहीं बन सकते, बिकॉज हर डिवाइस की, हर फ़ोन की सेंसिटिविटी अलग होती है। और मैं आपको बता दूँ, टच रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप अपनी सेंसिटिविटी खुद बनाइए ट्रेनिंग मोड में जा कर के, और वो कैसे बनानी है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आ गया हूँ ट्रेनिंग मोड में, एंड आप देख सकते हो कि मैंने अपनी सेंसिटिविटी को 1 पे कर दिया है। पूरी सेंसिटिविटी मैंने रीसेट कर दी है, सब सेटिंग्स को मैंने 1 पे कर दिया है। तो यहाँ पे मैं थर्ड पर्सन कैमरा की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे इसे 100+ पे सेट करूँगा, या फिर मैं इसे सेट करूँगा 143 पे। और इससे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इससे ये होगा कि आप अपना कैमरा तो हिला नहीं सकते, बट आप ये जो आई का बटन दिख रहा है ना आपको वॉइस चैट के पास में, इसे आपको चेक करना है। और आप देखोगे आपका कैमरा जो है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, और ये मेरे हिसाब से परफेक्ट सेंसिटिविटी है। या पे आप इसे इजीली रोटेट कर सकते हो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थर्ड पर्सन कैमरा की एक और सेंसिटिविटी है जो कि है 150। आप अगर इसे 150 पे सेट करोगे तो आपको बहुत ही बहुत ज़्यादा परफेक्ट इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये भी सेंसिटिविटी जो है बहुत ही परफेक्ट है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं सेंसिटिविटी में जाऊँगा, अपनी थर्ड पर्सन कैमरा की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करूँगा 150 पे, और ये होगी बेस्ट सेटिंग। आप खुद चेक करिएगा और आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और अब मैं बात करूँगा कैमरा थर्ड पर्सन नो स्कोप की। इसे मैंने किया है 251 पर, और ये आई थिंक बेस्ट है। और अब मैं आपको दिखाऊँगा फर्स्ट पर्सन नो स्कोप, सेम FPV में ये काम करता है। तो आप जैसे देख सकते हो कैमरा जो है मेरा पैक हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोटेट कर सकता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग। और FPV में भी ये सेम चीज़ है, जो कि मुझे बहुत ही यूनिक लगी है। सो, अब है ADS सेंसिटिविटी थर्ड पर्सन नो स्कोप की। कैमरा के बाकी स्कोप की सेंसिटिविटी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अब ये जो बताने वाला हूँ ये इसका कॉम्बिनेशन है, कंबाइन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिए। थर्ड पर्सन नो स्कोप की सेंसिटिविटी 200+, 205 पर मैं रखूँगा। और इससे क्या होगा कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे फायर का बटन दबा करके शेक कर रहा हूँ। फायर के बटन को होल्ड करना है, और कैमरे को हमें फायर के बटन से रोटेट करना है। तो इससे क्या होगा कि हम 1 टैब में हम अपने कैमरे को भी हिला लेंगे, एंड साथ ही साथ जो फायर होती है वो भी हो जाएगी। सो, यहाँ पे कैमरा रेड डॉट होलोग्राफिक एम असिस्ट को मैंने किया है 60 समथिंग, यहाँ पे करो बहुत अच्छी सेटिंग है, 59 कर दो तो ये मेरे को लगता है बेस्ट सेटिंग है। एंड अब यहाँ पे ADS में आओ, कैमरा की हमने सेट कर ली, मैंने यहाँ पे अभी करी है 63। आप ADS में आओ, ADS में आने के बाद रेड डॉट होलोग्राफ एम असिस्ट को 60 कर दो, और ये 60 पे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं 60 पर सेट कर देता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो रिकॉइल आ रहा है काफ़ी अच्छा आ रहा है रेड डॉट के साथ, और कैमरा भी बहुत अच्छे से रोटेट हो रहा है। तो ये सेंसिटिविटी मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और अगर आपके फ़ोन में कैमरा रोटेट नहीं हो रहा है ढंग से, तो आप सेंसिटिविटी को थोड़ा और बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो आपके ऊपर डिपेंडेड है। और बाकी जो मेरा रेड डॉट है वो अच्छे से चल रहा है यहाँ पे, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को अभी अपनी सेंसिटिविटी को और कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने होलोग्राफ से स्प्रे किया, वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, और आप जैसा कि देख सकते हो मेरा एम चूक ही नहीं रहा है। और मेरे को लगता है ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटिंग है मेरे लिए, तो मेरे लिए तो बेस्ट सेटिंग है, बट आपके लिए मेरे को नहीं मालूम। आप खुद कस्टमाइज़ करके देखो अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग, आपकी भी सेंसिटिविटी अगर अच्छी हो गई तो आपका जो रिकॉइल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो अब मैं सेट करूँगा 2x की सेंसिटिविटी, तो मैं इसे करूँगा जहाँ तक मेरे को मेरा एक्सपीरियंस है उस तक मैं करूँगा 24 पर, 25 अराउंड कर देता हूँ, तो 25 मैंने कर दिया है। और 2x से मैं अब रिकॉइल करने की कोशिश करूँगा, तो मैं पहले ADS को भी 2x पे सेट कर देता हूँ। आपको दोनों को सेट करना है, आपको कैमरा को भी सेट करना है और ADS को भी सेट करना है अपने अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, कैमरा को ज़्यादा रखना है, ADS को थोड़ा कम रखना है उससे। तो मैंने उधर रखा था 25 और इधर भी मैंने 25 रखा है। आप चाहो तो इसे कम कर सकते हो, इसे बढ़ाना मत। तो इसे आप देख सकते हो रिकॉइल जो हो रहा है काफ़ी अच्छा आ रहा है, कैमरा रोटेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं आपको अभी रिकॉइल भी बता देता हूँ, यहाँ पे आप कैमरा रोटेशन देख लो। और अब आप जैसा कि देख पा रहे हो कि
मुझे बेस्ट लग रहा है यार, रिकॉइल मतलब जो गोलियां हो रही है, बुलेट्स हो रही है ना, वो मिस नहीं हो रही है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। अब एक और देख लो, 2x की सेंसिटिविटी मेरे लिए बेस्ट रही है। और अगर आपको, आप भी अगर चाहो तो ये कॉपी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रिकॉइल में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूँ, आप अपनी 2x की सेंसिटिविटी अपने आप से बनाइए, खुद से बनाइए, और ये सबसे बेस्ट रहेगा। सो अब मैं करूँगा 3x की सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर पहले मैं ADS से स्टार्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं ADS की 3x सेंसिटिविटी को कस्टमाइज़ करूँगा अराउंड 14, 15 टू यहाँ पे 18, ओके 20, अराउंड 20 समथिंग, यस 20 मैंने यहाँ पे रख दी अपनी सेंसिटिविटी। सो पहले मैं अपनी कैमरा की सेंसिटिविटी करना भूल गया हूँ। अपनी कैमरा की सेंसिटिविटी मैं रखूँगा 3x की, मैं रखूँगा इसे 20, और ADS को मैं चेंज करूँगा, इससे रखूँगा इसको कम, 3x से मैं कम रखूँगा, इसको रखूँगा मैं 15, ओके 15 और 20। और अब मेरा रिकॉइल देखिएगा, इस जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तो मेरा रिकॉइल अच्छा सा आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी ADS को रखना है कम सेटिंग पर, आपको रखना है ADS में 15 में, और कैमरा की सेटिंग में आपको रखना है 20 पे। इससे क्या होगा कि जो आपका कैमरा है ना, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और जो ADS है उसकी कम होनी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है गेम में। सो अब मैं 3x लगा करके अपना रिकॉइल टेस्ट करूँगा, और आप देखिए रिकॉइल कैसा आ रहा है मेरा 3x में। बिल्कुल परफेक्ट रिकॉइल आ रहा है 3x में, तो 3x की सेंसिटिविटी में मेरी क्रिएट हो चुकी है। सो अब मैं सेट करूँगा 4x की सेंसिटिविटी, और ये इसमें रिकॉइल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है गाइस। तो यहाँ पे ADS सेंसिटिविटी में मैं यहाँ पे 4x में 9 पे सेट करूँगा, और कैमरा की सेंसिटिविटी पे मैं 4x में 13 करूँगा, ओके। तो अब मैं रिकॉइल कंट्रोल करूँगा, और रिकॉइल यहाँ पे इतना भी अच्छा नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है, बट ठीक है, सही रिकॉइल आ रहा है। वैसे भी 4x में अच्छा रिकॉइल नहीं होता यार, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा 4x से रिकॉइल कंट्रोल करो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रिकॉइल कंट्रोल करता हूँ प्रोन हो करके, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपने टारगेट्स पे भी फायर करूँगा। तो उससे पहले यार मेरे को अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा और कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉइल अच्छा नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कैमरा की सेंसिटिविटी को करूँगा 10 पर, तो यहाँ पे मैंने 4x को 10 पे कर दिया, और ADS पे मैं करूँगा 6 पर, ओके 6 पर मैंने यहाँ पे कर दिया है। और अब मैं चेक करूँगा अपना रिकॉइल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई हमारी 4x की सेंसिटिविटी। सो यहाँ पे आप 4x की सेंसिटिविटी में आपको टाइम लगेगा सेट करने में, बट अगर एक बार हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखिएगा 4x की सेंसिटिविटी बनाते वक्त कि आप इसे स्नाइपिंग भी करते हो, कि कई लोग 4x स्नाइपिंग करते हैं, और मैं भी करता हूँ, जब स्कोप नहीं होता तो 4x से स्नाइपिंग करनी पड़ती है, और 4x भी स्नाइपिंग के लिए बेस्ट है, बिकॉज हम उसमें क्विक शॉट्स ले सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें, बहुत से लोग यूज़ करते हैं 4x प्लस स्नाइपर, अरीना के अंदर भी 4x प्लस K98 हमें दी जाती है। सो यहाँ पे 4x की सेंसिटिविटी कंप्लीट होने के बाद अब मैं सेट करूँगा 6x की सेंसिटिविटी। तो इस सेंसिटिविटी को बहुत सोच समझ के बनाना, और बहुत सोच समझ करके, मेहनत करके, आपको हर चीज़ को नोटिस करके अपनी सेंसिटिविटी को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी 6x की सेंसिटिविटी को करूँगा कस्टमाइज़। सो यहाँ पर मैं कैमरा की सेंसिटिविटी से स्टार्ट करूँगा, और इसे मैं रखूँगा 11 से 11 प्लस 18, ओके 18 पे मैं रखूँगा, और ADS सेंसिटिविटी में मैं इसे रखूँगा 15 पे, ओके 15 पे मैंने रख दिए, और आई थिंक ये सेंसिटिविटी भी बेस्ट है। इस पे मैं एक बार रिकॉइल कंट्रोल करके आपको दिखा देता हूँ। तो कैमरा रोटेशन आप देख सकते हो, कैमरा बहुत ही ज़्यादा घूम रहा है एक बार में, और इसमें मुझे स्नाइपर में डिसएडवांटेज लग रहा है। सो मैं इस सेंसिटिविटी को थोड़ा कम करूँगा, और ये मेरे को लगता है मेरे लिए बेस्ट नहीं है, तो मैं सेंसिटिविटी में जाऊँगा और थोड़ा सा मैं इसे मिनिमाइज़ करूँगा। मैं इसे रखूँगा 13 पर, और ADS पे मैं रखूँगा इसे 13 पर, दोनों पे मैंने 13 पे सेट किया है। और अब मैं आपको रिकॉइल टेस्ट करके बताऊँगा कि कैसा रिकॉइल आ रहा है। सो आप जैसा कि देख सकते हो, रिकॉइल में कोई दिक्कत नहीं आ रही है मुझे, थोड़े से शॉट्स मिस आउट हो रहे हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको आगे जा कर के बता देता हूँ, टारगेट्स में मैं आपको स्प्रे दे के बताता हूँ कि कैसा स्प्रे आता है।
सो जैसा कि आपने देखा रिकॉइल बहुत ही अच्छा आ रहा है और 6x की सेंसिटिविटी, आई थिंक ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है। सो मेरी 6x की सेंसिटिविटी भी बन चुकी है। अब लास्ट स्कोप की बारी है जो कि है 8x, और उसको मैं चलाऊंगा स्नाइपर बोल्ट एक्शन में और DMR गन्स में। सो आप देखिए, तो यहाँ पर मैं सेट करूँगा 8x की सेंसिटिविटी को। तो उसके लिए अभी आप जैसा कि देख सकते हो मैं अपनी कैमरा की सेंसिटिविटी को रखूँगा 4-5 पर, ओके 5 पर, और ADS की सेटिंग को मैं रखूँगा 3 पर, ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्विक शॉट लेने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पे मैं क्विक शॉट तो ले रहा हूँ, आप जैसा कि देख सकते हो हेड पर ले रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे रोटेट करने में मुझे दिक्कत आ रही है, मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ रहा है अपनी फिंगर को, तब जाके कैमरा घूम रहा है, और क्विक शॉट लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है मुझे। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बेस्ट नहीं है, तो मुझे इसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा ताकि मेरा जो कैमरा है वो बहुत ही कम मोमेंट्स में कैमरा हिल सके। तो उसके लिए मैं जाऊँगा अपनी सेंसिटिविटी पे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपनी सेटिंग पे और सेंसिटिविटी पे, एंड यहाँ पे मैं कैमरा की 8x सेंसिटिविटी को मैं कर देता हूँ यहाँ पर 6 पर, जैसे कि आप देख सकते हो 6 पर मैंने कर दी, और ADS की सेटिंग पर मैंने यहाँ पे कर दिया 5 पर। सो अब मैं शॉट्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर रोटेशन में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैंने एक शॉट लिया और वो परफेक्ट लगा, और यह भी परफेक्ट लगा, एंड ये भी परफेक्ट लगा। सो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है सेंसिटिविटी में। यहाँ पे भी ये भी क्विक शॉट था, हेड शॉट था, परफेक्ट था। तो मुझे लगता है ये सेंसिटिविटी मेरे लिए सबसे बेस्ट है। अब मुझे इसे कस्टमाइज़ करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, और अब मैं टेस्ट करूँगा DMR में। सो DMR में मैंने यहाँ पे मिनी ली, और मिनी में भी यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही रोटेशन में भी, और सिंगल शॉट देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हो इस सेंसिटिविटी पे ही है मैं शॉट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, और शॉट बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। सो यहाँ पे एक बंदा है, और उसको बंदा मान करके मैं यहाँ पे शॉट देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पर भी मुझे लगता है थोड़ा सही जा रहा है, ओके थोड़ा यहाँ पे मेरे को सही जा रहा है। सो ज़्यादा मैं मिनी चलाता नहीं हूँ इसलिए मेरी प्रैक्टिस नहीं है मिनी की, बट फिर भी यहाँ पे सेंसिटिविटी करने के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट मुझे आया है। सो यहाँ पर मैं M24+4X चला रहा हूँ। TDM मैच में बहुत जने चलाते हैं, और अरीना में भी K98+4X चलाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्विक शॉट लेने की ट्राई कर रहा था यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता था कि मेरी 4X की सेंसिटिविटी पर भी मैं स्नाइपिंग भी अच्छे से कर सकता हूँ अभी क्विक शॉट मार करके। सो यहाँ पर मैंने चलाई DMR+4X भी, तो यहाँ पे भी मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हो रोटेशन में कोई दिक्कत नहीं है 4X में, तो 4X स्नाइपिंग में मामले में बहुत अच्छा है। और AR के अंदर रिकॉइल के लिए तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा आपको। तो ये थी आज की वीडियो सेंसिटिविटी के ऊपर, और वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो आपको लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है, और मैं आपको बता दूँ बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में। सो आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, और मैं आपको एक बात और कहना चाहता था कि मैं गेम प्ले इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि मेरा हेडफोन ख़राब हो चुका है, और मैंने न्यू हेडफोन भी ऑर्डर कर दिया है, तो वो कुछ ही दिनों में आ जाएगा, एंड मैं गेम प्लेस भी फिर ले आऊँगा, बिकॉज़ साउंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ आप साउंड के बिना गेम नहीं खेल सकते। आप कोई कोई सिचुएशन हैंडल कर लोगे विदाउट साउंड के, बट साउंड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।